के साथ ही हमारा iPhone 14 Pro Max पर्पल कलर में डिफरेंट सा कलर आया है, वो ऑर्डर हो चुका है। नारायण के सब्वे में जाके मैं जिस अंडे वाले बर्गर की बात कर रहा था ना, कॉर्नर में बैठ के चिल करेंगे, कोई बुक शू रीड करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं उसको। ओए ठगी बहुत गर्म है, ठगी बहुत गर्म है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वर्क व्लॉग। इट्स अ ब्रांड न्यू ब्रांड न्यू व्लॉग। बस मौसम ऐसा हुआ है कि यार अभी बारिश हुई और अभी बारिश हुई, और वो वाली वो जो एक प्यारी सी एक नमी सी हो जाती है ना, हर्ब्स नहीं मतलब वो बारिश से पहले वो जो मिट्टी की खुशबू और वो सारा सीन आ रहा था ना, बस वैसा आ रहा है यार। मिट्टी की खुशबू एक मतलब क्या मज़े की लगती है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। फिलहाल जल्दी से निकलते हैं ऑफिस, रास्ते में पिक करना है सबवे। दिन थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू भी हो गई, एक दो कचरे गिरना शुरू भी हो गए हैं यार। वो क्या मज़े की वाइब बनी हुई है यार। सुबह सुबह जब ऐसी चीज़ देख लो ना यार, तो फिर आपका दिन मेरे ख्याल से तो ज़बरदस्त ही जाता है। अच्छा ओमेन है, ओनली एग, नो जस्ट एग। सब्वे भी हो गया, समोसे भी हो गए। समोसे लंच में चल जाएंगे या बाद में चाय कॉफ़ी वगैरह के साथ, और नाश्ते में सब्वे चलने वाले अंडे वाला। जो नारायण के सब्वे में जाके मैं जिस अंडे वाले बर्गर की बात कर रहा था ना, वो ये है। अब जल्दी से निकलते हैं ताकि अंडे वाला सब्वे यार ये चेक करो। अरसे बाद यार क्या मिस किया इस टेस्ट को। आई विश कि यार पाकिस्तान में आप लोग को ये वाला टेस्ट करवा सकता, अंडे वाला बर्गर हमारा अपना सब्वे हो। बड़ी अजीब सी बात हुई आज, जब सब्वे ऑर्डर किया तो वहाँ पे सैलड के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया उसने मुझे। मतलब सैलड अगर दो ठीक है, तीसरा लो तो एक्स्ट्रा चार्ज, और सॉसेज भी दो ठीक है तीसरे पे एक्स्ट्रा चार्ज। ऐसा होता नहीं था यूके में, अब उसने ऐसे किया है तो हमने श्योर कि यार वो वाकई है कि नहीं, बस मैंने पे कर दिया। फिर बाद में रिसर्च करेंगे कि यार एक्चुअली सीन किया। कभी कभी सुबह जो वर्कर्स होते हैं वो तपे होते हैं यार, सुबह कहाँ से कस्टमर आ गए, तो शायद वो भी ऐसा कर देते हैं। बट यू नेवर नो, ठीक है मज़े का बर्गर है। यार आज के बादल चेक करो, कमाल किस्म के फिल्मी वाले बादल बने हुए हैं, इसका तो प्रॉपर टाइम लैप्स बनता है। यार जब ऐसे वाला सीन होता है ना, मतलब ये टाइम लैप्स को लेते हैं, मुझे कम से कम कोई 2-3 घंटे लगे होंगे, लेकिन यार वो बादल आ रहे थे जा रहे थे, वो बस दिल ही नहीं किया रुकने का, बस दिल किया कि यार बस डाल दो। इतना मज़ेदार सीन है, ऐसा जब भी होता है ना मैं दिल करता है यार फ्लाइट पकड़ो और कहीं चले जाए यार बादलों से। वो टेक ऑफ करते हो जब बादलों में से प्लेन गुजरता है ना, बस वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है यार। यार वो बादल जाने की देर थी कि क्या बारिश शुरू हो गई है यार, मज़ेदार वाला सीन है। और सारा दिन तो टाइम नहीं मिला एडिटिंग वगैरह और वो सारा काम चल रहा था, तो सारा दिन टाइम नहीं मिला कि बैठ के आराम से समोसे वो गर्म करके खा सके जो लेके आए थे। अब शेख आ गया तो उसके साथ ही मिलके खाते हैं। ठाकी किधर है? ठाकी यार तेरी किस्मत में थे, तू आया तो समोसे गर्म हो रहे हैं। वॉलेट निकाल ली तूने मेरा, मैंने देख लिया, दे दे वॉलेट। ठाकी गर्म बन गए समोसे। ठाकी बहुत गर्म है, ठाकी बहुत गर्म है। ओए ये ले ठाकी, चल समोसे खाए। बारिश में समोसे हुए 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 आजकल ना, मतलब वो कहते हैं ना वो अच्छे दिन चल रहे। ये एक तो हर चीज़ कैचअप, मायनीज भी कैचअप, चिली सॉस भी कैचअप, कैचअप भी कैचअप, और एक अबीरा है अपनी वो कैचअप जो है उसको बिल्कुल सुनना ही पसंद नहीं है। समोसे और बारिश और वो गाजर का हलवा और बारिश, ये वाले व्लॉग में क्या यार, मतलब मज़ेदार वाला सीन चल रहे हैं। बस समोसे खाते हैं उसके बाद फिर निकलते घर। ये वाली कैचअप है वो जो उसने एजरा गए थे ना, ये वाली कैचअप शेख ने व्लॉग में देखी और लेके आ गया। मतलब इट्स एक्चुअली गुड यार, वो पाकिस्तान में नहीं होती गंदी वाली कैचअप, वैसा टेस्ट है इसका, मतलब वो जो अंडे वाले बर्गर में मिलती है। अभी तो मैं पाकिस्तान से नया नया आया हूँ तो मुझे तो अच्छी लग रही है। शेख कह रहे हैं ज़्यादा मीठी है, बट मेरे लिए सही है। यहाँ से पेट्रोल डलवाया तो साथ में अबीरा के लिए कुछ चॉकलेट्स भी पिक कर ली है। कहती रही थी ड्रॉर फुल है, चीज़ी नहीं चाहिए, लेकिन बच्ची है यार, मतलब दिल कर पड़ता है उसको कुछ देने का। मतलब ऑब्वियसली ऐसे तो स्पॉइल करते हैं बच्चे को माँ बाप, जो कि नहीं करना चाहिए, पर ले लिया यार, अब इतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। ठीक है भैया, दैट्स फॉर यू। कल जो आइसक्रीम लेके गया वो सारी अबीरा फिनिश कर चुकी है, तो मामा और बूबू को मिली नहीं थी, तो उसके लिए आइसक्रीम और घर की थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर ली। बिनी ये लो। ओए
वो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत मजे का खाना था मामा। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये अच्छी लगती है। मामा ने रूम की सेटिंग कुछ ऐसे किया है, मतलब पूरा सारा वो एक्वा कलर का सारा सिस्टम, इवन बुक्स भी और इवन वो शेड भी जबरदस्त लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है ना भैया? पीछे थे गिर गए। आओ बाबा छाए उठो। ए शे शाबर, क्या कह रही हो? कुछ भी नहीं कह रही हो? कुछ चेंज लग रहा? हाँ मामा ने भी रूम अपना चेंज किया हुआ। तुमने भी ये कॉर्नर यार अच्छा बना दिया यार, ये कॉर्नर आराम से बंदा बैठ के यहाँ पर कॉफी पिए, बुक रीड करे और एडिटिंग करे। लगता है बूबू और मामा काफी बिजी रहे अपने अपने रूम की सेटिंग करने में आज, और बिया तो सो भी गया है। बूबू कॉफी पिला दो फिर, अगर ये सीट बनाई है तो। अभी पूरा मंथ बूबू ने क्लेम किया कि उसकी बर्थडे है, तो एटलीस्ट ये वाला मंथ तो हम ये कार्ड वर्ड नहीं उतार सकते। और ये बूबू ने ये वाला निशे वाला कार्ड भी इधर लगा दिया है, काफी मजे का कार्ड था, काफी इमोशनल सारी बातें लिखी हुई थी इसके अंदर। यार घर आके भी यार क्या क्या किस किस तरह का सुकून मिल सकता है वो आपको आपकी थकने के लेवल पर डिपेंड करता है, और आज थकने का लेवल कुछ ज्यादा था तो सुकून भी उसी लिहाज से ज्यादा मिल रहा है। यार मेरे साथ तो कभी कभी ऐसे होता है, आपके साथ होता है तो मुझे बताना कमेंट में। अगर आप जॉब पे हो या आप ऑफिस में हो तो आपको नींद आ रही होगी, सारे काम याद आ रहे होंगे, सारी वो लेजीनेस हो रही होगी, वो सारा हो रहा होगा, लेकिन जैसे घर आते हो तो एकदम फ्रेश हो जाते हो। मेरे साथ तो हो जाता है कभी कभार, और ऐसी इसी तरह से जब आप छुट्टियों पर होते हो, हॉलीडेज पे होते हो, तब आपको एकदम से सारे काम जो है वो रिलैक्स और सब कुछ, नींद का भी इवन टेंशन नहीं होती कि यार कितनी पूरी हुई कितनी नहीं हुई है। लेकिन जैसे ऑफिस वाले डे स्टार्ट होते हैं तो आपको एकदम से नींद की भी टेंशन हो जाती है, और सारे काम वो सारे पेंडिंग एंड ऑल दैट वो सारा सीन हो जाता है। अगर आपके साथ होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। बुबू खाने में क्या? ओ बिरयानी यार, देखने में तो बड़ी फिट लग रही है, आज तो बेस्ट हो गया सीन। और ये क्या साथ में? सब्जी नहीं, यही ठीक है यार, बिरयानी ठीक है, बिरयानी बनी है। वैसे तो एक तो घर आते वैसे ही थकावट उतर जाती है, ऊपर से जब ऐसा कुछ बनाया हो ना बूबू ने तो बस फिर। कितना मजे का यार, कोजी सा कॉर्नर बना दिया तुमने, आई लाइक इट। तो आज से ये जगह बिया और मेरी पक्की होगी, है ना? ये एंड तो था कि यार चाय पियेंगे, इस कॉर्नर में बैठ के चिल करेंगे, कोई बुक शुक रीड करेंगे, लेकिन अब बिरयानी देख के ना नीयत खराब हो गई, तो डायरेक्टली खाना ही खाते हैं और साथ में कोई मूवी लगा लेते हैं। वो कल वाली मूवी जो थी बाय द वे वो खत्म नहीं हुई है अभी तक, वो आधी पड़ी हुई है। कौन सी मूवी थी? आपको मूवी देखना अलाउड नहीं है वैसे ना? कुछ करते यार, अभी अभी क्या पता चला है कि कुछ दोस्तों ने आईफोन 14 प्रो मैक्स ऑर्डर किया था, और उनको जो ऑर्डर डिलीवर डेट मिल रही है ना वो 10th अक्टूबर से 17 अक्टूबर की मिल रही है। तो अभी दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं बार बार कि यार अगर ऑर्डर करना है तो अभी कर दो, नहीं तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो अब आउट ऑफ पैनिक अभी शेख भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, शेख भी फ़ोन पे है और ज़बरदस्ती मेरे से ऑर्डर करवा रहा है। ठाकी कर दें ऑर्डर फिर? हाँ ठाकी तस्ती कर फौरन यार, श्योर है? अच्छा चलो मैं जल्दी से ऑर्डर करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, इससे पहले कि डेट और भी ज्यादा आगे निकल जाए। और इसके साथ ही हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स पर्पल कलर में डिफरेंट सा कलर आया है वो ऑर्डर हो चुका है, और इसकी डिलीवरी डेट वाकई में जो आ रही है 10th to 17 अक्टूबर आ रही है, पर शेख बोल रहा है कि शायद कभी कभी जल्दी डिलीवर कर देते हैं, बट लेट्स सी क्या बनता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB डीप पर्पल 10 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर डिलीवर होगा। यार आई होप कि जल्दी आ जाए, 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट मंथ, बल्कि मोर देन अ मंथ पड़ा है, लेकिन जल्दी आ जाए तो यार अच्छा हो जाएगा। उसका कैमरा काफी अपग्रेडेड है तो उसके जो व्यू और वो सीन लेने में मजा आने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। अभी फिलहाल इस एक्साइटमेंट को ना खा के मतलब छुपा के रख लेते हैं, थोड़ी देर बाद निकालेंगे क्योंकि अभी इतना लंबा वेट करना है यार। पर एटलीस्ट ऑर्डर हो गया यार। एक चीज़ है जो मेरे माइंड में ना सुबह से अटकी हुई है, वो जो ऐसे ऐसे करके एक आर्ट होता है उस पेंटिंग को, उस टाइप की पेंटिंग को क्या कहते हैं मेरे माइंड में, मुझे पता है पर कभी कभी होता है ना ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको पता होते हैं लेकिन माइंड में नहीं आ रहे होते, बस ऐसे ही वो कुछ वर्ड है ऐसे वाली वो
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं उसको। हाँ, मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करा। हाँ, भैया ने बताया एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं यार। ओए होए, सुबह से वो सुबह से फंसी हुई थी चीज़ कि यार बस वर्ड पता चल जाए, वो वर्ड नहीं पता चल रहा था, मतलब सर्च भी नहीं कर सकता बंदा कि यार जब पता ही नहीं है वर्ड तो सर्च क्या करेगा। तो अब भी यार क्या सुकून मिला है, अब बिरयानी खाते हैं। आजो आजो आजो, बिस्मिल्लाह करें। तीन चार दिन से उसने आजो 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 आजो। और यहाँ पे आरिश जो है वो वीरा के पीछे भाग रहा था, वीरा को रिमोट से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरा जो है वो बहुत तेज है, और जब उससे बात नहीं मिली तो वीरा की बॉटल चोरी करके उसी के साथ खेलने लग गया और उसी को लेके भागने की कोशिश में ये देखो उसके साथ क्या हो गया। आरिश को चोट आ गई थी, अब ठीक है। बिया को भी आ गई थी, बिया भी ठीक हो गई है ना। दिखाओ ये, दिखाती हूँ। ओके यार, बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब इस वीडियो को लाइक करना ताकि एल्गोरिथम में हेल्प हो और हमारी फैमिली ग्रो करे, और फिर ऑब्वियसली हम लोग डेज आ रहे व्लॉग जैसे बनाते रहे। फिलहाल यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपसे मिलता हूँ कल एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो एज ऑलवेज तब तक के लिए अपना रखेगा, मिलते मिलते क्या मिलते, बोलो मिलते।